आदि मंच के सामने से गुजरते हुए सेकंड परेड कमांडर एवं नर्वो बना सकते इस बार सिर्फ एक समान सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे लद्दाख पुलिस के जवान प्लाटून कमांडर फैरोज अहमद की कयादत में इस वक्त एक सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए लद्दाख पुलिस कंटेंजेंट खुशी के आज हमेशा गीत गाते जाओ। पहला यहाँ पर एनसीसी के क्रेडिट्स फ्रॉम हाई स्कूल परू के मोहम्मद तकी की तैयारी में इस वक्त ठीक सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से सलामी देते हुए अपने कौमी परचम को ठीक उनके पीछे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल के कंटेंजेंट कदम से कदम कंधे से कंधे मिलाते हुए सोहेल अब्बास की क़यादत में और परेड कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए बाकर अली बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के कंटेंजेंट इस वक्त ही सलामी मंच के सामने पहुंच चुके हैं। शमीम अली जो कि परेड कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए और जाकिर हुसैन परेड कमांडर की जिम्मेदारी निभाते हुए कदम से कदम कंधे से कंधे मिलाकर अपनी देश के कई कुर्बानियों की जज्बात दिए हुए तिरंगा को सलामी देते हुए ठीक सलामी मंच के सामने से ठीक उनके पीछे सुरवेली पब्लिक स्कूल करगिल के मुनीर अहमद की क़यादत में सुरवेली पब्लिक स्कूल के कंटेंजेंट फनेक के पीछे एमपीएस हाई डिपार्टमेंट की क़यादत में एमपीएस हाई डिपार्टमेंट और फनेक कमांडर की जिम्मेदारी हुए फैरोज हुसैन के पीछे कारगिल पब्लिक स्कूल के पी एस के नवाज हुसैन की क़यादत में और परेड कमांडर मोहम्मद अली उनके पीछे ठीक सवाब परू के कंटेंजेंट्स नीली के वर्दी में मलबूस सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए फयाज हुसैन की क़यादत में और परेड कमांडर मुस्लिम मली लद्दाख पुलिस पब्लिक स्कूल के कंटेंजेंट जुनेद खान के क़यादत में और परेड कमांडर फैरोज हुसैन इस वक्त ठीक सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। भारत के सुको तो हिम्मत दिखाए जाओ दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाए जाओ इसी जज्बे को लेते हुए हमारे नन्हे नन्हे बच्चे सलामी मंच के सामने से ठीक उनके पीछे हाई स्कूल पॉइंट के कंटेंजेंट मुजम्मिल अली की क़यादत में और परेड कमांडर की जिम्मेदारी ली हुए सुहेल अब्बास फौजी वर्दी में मलबूस है गवर्नमेंट हाई स्कूल पुणे के कंटेंजेंट उनके पीछे प्लाटून नंबर 10 मुतहरी पब्लिक स्कूल बरू मुंतजर मेहदी की क़यादत में और परेड कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए हैं फरमान अली तन मन मिटाए जाओ तुम नामे बोबियत पर राह वतन में अपनी जाने लड़ाए जाओ इसी जज्बे के साथ हमारे नन्हे मुन्ने सिपाही थे सलामी मंच के सामने से जेल लोअर बी के शुजात अली मीर की क़यादत में और फ्लैग उठाए हुए हैं समीर हुसैन जेल जाफरिया एकेडमी लोअर बी कंटेंजेंट नंबर 12 स्पोर्ट्स एथलेटिक ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर कारगिल के कंटेंजेंट ठीक इस वक्त सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे तिरंगे को सलामी दे रहे हैं विलायत अली की क़यादत में ये प्लाटून है स्पोर्ट्स एथलेटिक ऑफ इंडिया कारगिल सेंटर के कंटेंजेंट और
खुर्शीद अहमद, खुर्शीद अहमद जो कि फ्लैग ठीक उनके पीछे 13 नंबर के प्लाटून जेके नॉर्थन पब्लिक स्कूल के बच्चे ठीक सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए प्लाटून की क़यादत कर रहे हैं ज़िशान हैदरी और ज़िशान अली जिन्होंने फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए थे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। आज भी हमारा मुल्क एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरे हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त एक इस्लामी मंच के सामने से गुजरते हुए मुर्दा दिली का झंडा भेजो जली का तुम जिंदा दिली का हर तू पत्ता उड़ाए जाओ इस्लामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज से सलामी देते हुए अपनी होली पत्तों को सोहेल अब्बास की क़यादत में और फ्लैग कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए आकर आई हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का गेट मौके पर या मुबारक मौके पर मैं मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों और हिफाजती दस्तों को सलाम पेश करने के साथ उनको पुरदोल अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूं जो अपने जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तहकम बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे कौंसल पुरअज़म है कि हम ज़िले की तमीर और तरक्की के अमल में कोई कोताही न बरते ताकि हमारा ज़िला आने वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके और जिनके खातिर ख्वाह नतायज भी बरामद हो रहे हैं। हमारे कौंसल ने अवमी अहमियत के कामों और प्रोजेक्टों पर तरजीह बुनियादों पर काम शुरू किए गए हैं जहाँ एक तरफ सियाहत PWD सियाहत खेलकूद दही तरक्यात के शोबों में तरक्याती अमल जोर व शोर से जारी है वहीं दूसरी जानिब दीगर शोबजात को मुस्तकम बनाने जाने के सिलसिले में कई अहम नवाद के इकदाम उठाए जा रहे हैं। शोबा सियाहत जो कि हमारी तरजीहात में शामिल है इसके तहत ज़िले भर में अस्पतालों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को मजीद मुस्तकम और फ़ाल बनाकर आम अनाज को बेहतर तबी सहूलियात फराम करने की कोशिश जा रही है। ज़िले में मेडिकल सब सेंटरों की तामीर और ज़िले अस्पताल में तीमारदारों के लिए प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का काम तामीरी काम मुकम्मल करके रायशी सहूलियात फराम करने की कोशिश की जा रही है। तबी मराकज पर बुनियादी ढांचा को मजबूत करने की गरज से हम लोग NTPSC शकर करशा पानी घर GMPOR वगैरह में SDP स्कीम के तहत हीटिंग सिस्टम नस्ब की है और इस साल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तामीरी काम आखिरी मराहल में है। अस्पताल में MRI नस्ब करने का काम आखिरी मराहल से गुजर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में हमारे मरीज इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। हमारे टाउन एरिया के मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मरीजों की सहूलियात के लिए अर्बन PHC का क़याम अमल में लाया गया है और हाल ही में हमने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करने का सिलसिला शुरू किया है।
सयाहत हमारी इक्तसादी शोबे में अहम हैसियत रखती है और हमारे कौंसल ने इसे अपने तरजीहात में शामिल रखा है। सयाहत को फरोग देने के लिए जिले के सयाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे को मजबूत मजीद मुस्तकम बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम किया है। इसके अलावा हमने टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स को साथ लेकर जिले के सियाती मकामात पर सयाहों को लाने और ले जाने के लिए मुनज्जम मंसूबों पर काम कर रहे हैं और इन मंसूबों के तहत सयाह दो प्रतिकोण बीम पत्थर चिकतनखर शुरू में रॉक गार्डन खाउस नमिकला जांसकार करसेखर करपोखर मूलबेग चंबा सोच चंबा आर्यन वैली दर्शिंगन हनुमान एल ओ सी वी पॉइंट के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे और कुछ पे काम जारी है। इसके अलावा फौज के ताउन से वार मेमोरियल द्रास व्यू पॉइंट चंगीला मुश्को वैली टाइगर हिल और टोलोलिंग जैसे मकाम को भी सियाती नक्शे से जोड़ा गया है। इसके अलावा न्यू होम स्टे के पासी के तहत 565 मुस्तहक अफराद इस स्कीम के जुमरे में शामिल किया गया है। शोबे पशुपालन को फरोग देने की गरज से सब्सिडी कंपोनेंट के तहत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 221 रर्जी यानी शफा के सहूलियात फराहम किए हैं। इस साल जवाहर नवायुद्याल कुंभथंग में बच्चों के दाखिले की बलाई हद को बढ़ाकर इससे 40 से 80 कर दी गई है, जिससे हमारे बच्चों को आला तालीम फराहम होने में बहुत मदद मिलेगा। इस साल करगिल में एनसीसी की एक नई और अलग बटालियन पूरे फ़ालियात के साथ कायम किया गया है, जिससे फौज और नीम फौजी दस्तों में भर्ती बशमूल आला फौजी अहदों के ख्वाहिशमंद नौजवानों को नई राह फराहम होगी। आपको बखूबी एलम है कि हमारे कई अहम प्रोजेक्टों पर काम सूरत से जारी है, जिसमें जुजरा टनल करगिल सांस्कार कौमी शाहरा और करगिल बटालिक खलसी रोड काबिल जिक्र है। जुजरा टनल पर दोनों अतराफ से नामसाए मौसमी हालात के बावजूद तामीरी काम सूरत से जारी है और पंगला और करगिल साइड से और बालतर सोनामर्ग साइड से दोनों को मिलाकर अब तक 9 किलोमीटर टनल की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। मैं करगिल वासियों की तरफ से जानिब से टनल के दोनों अतराफ पर काम पर मामूर वर्करों और मरकजी सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का बिला रुकावट काम जारी रखने पर यौम आज़ादी की इस अजीम दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको बखूबी इल्म है कि हमारे ज़िले की बेशतर आबादी ज़राअत और इससे मनसलक शोबों से वाबस्ता है और ये शोबा आमदनी के आम शोबे की हैसियत रखती है। इस हकीकत को नज़र में रखकर हमारी कौंसल ने इस शोबे में तरजीहात में शामिल रखा है ताकि किसानों की इक्तसादी हालात में बेहतरी लाया जा सके। शोबे ज़राअत और इससे मनसलक शोबों को फरोग देने के लिए अवमी अहमियत के दीगर स्कीमों के लिए किसानों को सब्सिडी कंपोनेंट के तहत पोल्ट्री यूनिट्स अफजाई नस्ल के रैम और गोट यूनिटों के अलावा ज़िले में खासकर मौसम सरमा के दौरान ताज़ा सब्जी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस तामीर करने के लिए ज़रूरी साजो सामान फराहम किए गए हैं। मुख्तस रखें और हमें यूटी इंतजामिया खासकर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब डॉक्टर बी डी मिश्रा का ज़िले करगिल के मजमू तरक्की के लिए मदद और ताउन फराहम करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट आफिसरान बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर व चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर श्रीकांत बाला साहब सोसे एसएसपी करगिल श्रीराम जी और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा न करूं तो नाइंसाफ़ी होगी, जिनकी अंथक मेहनत और ताउन से तरक्याती सरगर्मियों के जल्द तकमील मुमकिन हो रही है। साथ ही मैं अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और काउंसलर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त अपने नेक मशरूम से नवाजते रहते हैं। इसके अलावा मैं करगिल में मुकीम डायरेक्टर्स चीफ इंजीनियर और दीगर एचओडी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनके मुसलसल मौजूदगी से अवामी मसाइल का
बरसर मौका ऐसा तरीके से अजाला करने में माउत और मददगार साबित हो रहे हैं। मैं जिले में काम कर रहे मीडिया से जुड़े दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जिले में रोनुमा होने वाले वाकयात और तरक्याती कामों को की तशहीर में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं जिले में सरगर्म मीडिया अफराद से ये भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने फराइज को समझते हुए हसास और मनफी खबरों की तशहीर से गुरेज करें और सही मानों में मीडिया को जमहूरियत के चौथे स्तून की हैसियत बख्शे। आखिर में मैं करगिल के अवाम नाज़ बिलखुसूस मजहबी सियासी और समाजी इदारों से इल्तिमास करता हूँ कि जिले करगिल को खुशहाल और तरक्याफ्ता बनाने में हमें अपना ताउन पेश करें।